नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर चक्रवाती तूफान के साथ आंधी को लेकर आ रही है। साथियों बता दें, चक्रवाती तूफान की एंट्री भारतीय राज्यों में हो गई है और एंट्री होते ही लगातार ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश के साथ कई राज्यों में झमाझम बरसात हो रही है। साथियों बता दें, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना अगले 3 दिनों तक जताई गई है। आईएमडी ने दोस्तों चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा है कि दिल्ली में कल की बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई थी। आने वाले 3 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र सहित पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। उन्होंने बताया है कि पूरे भारत में तापमान सामान्य है और अभी लू की कोई भी संभावना नहीं है। मौसम विभाग की दोस्तों अभी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड में 31 मार्च को कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं 1 और 2 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दोस्तों शाम होते ही बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आंधी के साथ यहां पर तेज बारिश भी होने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोस्तों आज बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। वहीं अगले 3 दिनों तक दोस्तों दिल्ली का मौसम खराब रहेगा। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब होने था, रुक रुक कर बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही बताते चले, बिहार में 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच बारिश के साथ ठंड का और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। विशेष रूप से किसानों को सतर्क करते हुए उनसे एहतियात उपाय करने के सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। अगले 48 घंटों में तेजी से मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट रहने को भी कहा है। 31 मार्च की सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। वहीं दोस्तों 1 अप्रैल को पूरा प्रदेश बारिश से तरबतर होने के आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देश भर के अधिकतर राज्यों में मौसम करवट बदलने वाला है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों तक देखने को मिल सकती हैं। वहीं साथियों आपको बता दें कि जहां पर हाई अलर्ट किया गया है उन राज्यों में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो वहां पर हल्के गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं और दक्षिणी भारत के राज्यों ओडिशा, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों अगले 24 घंटों की बात करें तो बिहार, झारखंड और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अत्यधिक बारिश, तेज आंधी और दोस्तों ओलावृष्टि के संकेत जताए गए हैं। दोस्तों किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो खेतों में भी खराब हो रही है और अब मंडियों में लेकर जा रहे हैं बची कुची को, तो दोस्तों वहां पर भी भारी बारिश की वजह से मंडियों में इंतजाम नहीं होने के कारण उनकी फसल दोस्तों वहां पर भी भीग रही है। मौसम से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें तथा आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।